और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि माणिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे। और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि माणिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे। और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि माणिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे। और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि माणिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि माणिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे। और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि माणिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे। और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि माणिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे। और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि माणिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे।
शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे। और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि मानिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे। और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि मानिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि मानिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे। और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि मानिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे। और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि मानिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन